चैप्टर 10 बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये आज ही अपनी क्लास रहेगी। इसमें आपके फार्मूला देख लो। सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम एम इज इक्वल टू सिग्मा मॉड्यूलस में डी एम अपॉन एन, ये इंडिविजुअल सीरीज है और ये आपकी किस में हो जाएगी, खंडित और अखंडित, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है ना। ये दो तरह की सीरीज में आपके इसमें आपके लगेगा। तो अब अपने इसका फॉर्मूला हो गया सिग्मा एफ बाहर हो जाएगा क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, अंदर वही है डी एम अपॉन सिग्मा एफ कह दो या एन कह दो, एक ही बात। क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपके देखो लिखा है, निम्न से मध्यका द्वारा माध्य विचलन एवं उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखा है फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। कल हमने जो सवाल किया था ना, तो वो जिसमें आंसर इसीलिए मैच नहीं हुआ क्योंकि वो क्वेश्चन तो मीडियन से करना था पर हमने उसको एक्स बार से किया, क्योंकि हमारा कल ऑब्जेक्टिव यही था कि पहले हम एक्स बार से सारा सीखेंगे। तो ये आपके हो गया मीन डेविएशन का एम के लिए। तो इसमें आपके दे रखा है साइज 1 एंड अप टू 10, फिर उसके बाद में 1 एंड अप टू 20। तो अप टू का मतलब लेस देन होता है, ठीक है ना। और आप देखो आगे 1 फिक्स चल रहा है, तो जब L1 फिक्स हो तो भी वो लेस देन का क्वेश्चन होता है। 1 एंड अप टू 30, 1 एंड अप टू 40 और 1 एंड अप टू 50। उसके बाद में आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है इस प्रश्न में। फ्रीक्वेंसी है आपके 1, 3, 6, 8 एंड 10, टोटल कितनी होती है इसकी 28। अब आपको इसमें सबसे पहला काम ये करना है कि ग्रुप बनाना है और ये जो दे रखी है वो CF है। क्या है? CF। तो टोटल यहाँ पे ये चलेगी नहीं, क्योंकि CF कैसे पता चले, क्योंकि लेस देन का क्वेश्चन है, तो इसकी टोटल तो 10 ही रहेगी। ये देखो किताब में फ्रीक्वेंसी शब्द लिखा है, आपको तय करना है कि ये CF है F नहीं है, क्योंकि ये लेस देन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बनाए इसमें सबसे पहले ग्रुप, पहला ग्रुप लें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये सिंपल ग्रुप हम डायरेक्ट इसमें ले लेंगे। उसके बाद में CF है, ये हमें पता चला क्योंकि लेस देन लिखा हुआ है, तो इसे अब अपने F बनाएंगे। तो पहली 1 3 में से 1 गया, 2 6 में से 3 गया, 3 8 में से 6 गया, 2 और 10 में से 8 गया, 2 एंड टोटल इज 10 हो गया। अब अपने को CF चाहिए। CF क्यों चाहिए? क्योंकि मीडियन कैलकुलेट करना है। तो आप चाहें तो ये CF काम में ले सकते हैं और चाहें तो दोबारा से लिख लें, तो अपने दोबारा से लिख लेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगना है। 1, 3, 6, 8 और 10, ताकि सीक्वेंस में आ जाए। ये चीज़ तो आपके पेपर में दे रखी होगी, तो हम तो यहीं से शुरू करेंगे ना, पेपर में जो कॉपी में आंसर लिखना है वो तो यहीं से शुरू करेंगे, तो इसलिए CF वापस बना लेंगे। उसके बाद में आपको लेना है CF हो गई बराबर। उसके बाद में आपके नेक्स्ट पार्ट आएगा M के लिए, पहले स्मॉल m जिसका फॉर्मूला होता है n अपॉन 2। n है कितना, 10 अपॉन 2 5th, है ना। तो 5 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है, 6 है, तो इसको अंडरलाइन कर लो। ये आपका मीडियन ग्रुप हो गया, तो आप कैपिटल M कैलकुलेट करो,
एल वन प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल एम माइनस सी, ये रहेगा। तो इस ग्रुप में आपके एल वन कितना है, 20 है, प्लस आई अपॉन एफ, आई कितना है 10 का, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, हाँ बेटा 3, और स्मॉल एम है 5, और सी ये ऊपर वाली संख्या होती है सी, तो कितना हो गया 3। सॉल्व करें, 26.67 किताब में दे रखा है। कोई दिक्कत तेरे बच्चों इसमें, ये आंसर अपना मैच हो जाएगा। पहला कॉलम डीएम बनाना है और उसके बाद में एफ डी एम बनाना। तो डीएम का फॉर्मूला है एक्स माइनस एम, समझ गए। तो एक्स कौन है, एक्स बनाना पड़ेगा, इसमें नहीं है तो मिड वैल्यू एक अपने को और लेनी पड़ेगी इसमें। तो मिड वैल्यू यहाँ पे बीच में डाल दो आप, मिड वैल्यू बताना एक बार मेरे को थोड़ा सा, एक मिनट, 5 मिड वैल्यू लेना है, 5 हाँ 15 25 35 45, ये तो मिड वैल्यू हो गई ना, तो ये x हो गया, ठीक बात। अब x माइनस m करना है, तो m ये है 26 पॉइंट, तो सबसे पहले घटाओ इसमें से कितना आता है, 21.67, 11.67, 67, अब 8.33, 18.33, वो 10 के गैप से चलता है। अब इसको गुणा करनी है आपको किससे, फ्रीक्वेंसी से, तो जल्दी से गुणा कर दो। अब 21.67, 23.34, 5.01, 16.66, 36.66, टोटल लगा लो 103.134, ठीक है। अब अपने को अगला पार्ट, यहाँ तक हो गया सभी का, थैंक यू प्यारे बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, पहले लेना है मीन डेविएशन फ्रॉम एम। तो इसका फॉर्मूला आपके क्या होगा, आप लोगों को लेना है इसमें सिग्मा एफ मॉड्यूलस में डी एम अपॉन सिग्मा एफ या एन। तो ये आपके 103.34 डिवाइड बाय कितने से लेना है, 10 से। तो आंसर आएगा इसका, वेरी गुड, 10.33, ये आंसर आपके बुक में दिया हुआ है ना। किस किस ने कर लिया था, हाथों पे कर एक बार, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब आपको इसमें क्या लेना है, मीन डेविएशन का कॉफिशेंट, तो कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन एक्स बार। तो मीन डेविएशन 10. एक्स बार नहीं, वही एम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एम से लिया है ना, अपॉन एम। तो 10.33 बटे डिवाइड बाय 26.67, ये इसमें इसका भाग हो जाएगा 0.39, ये आपका आंसर हो गया। सारे आंसर मैच हो गए, एग्जैक्टली बुक में यही आंसर दिए हुए हैं, सारे मैच हो गए, ठीक है प्यारे बच्चों, चलो वेरी गुड। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, इसके केवल अपने फॉर्मूले ही लिखेंगे, बाकी करने का तरीका सेम रहेगा जो हमने मीडियन में और एक्स बार में सीखा है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम जेड जब आप करेंगे, तो सिग्मा मॉड्यूलस में डी जेड अपॉन एन, ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज का, और ये आपके जेड निकालेंगे, सिग्मा एफ यहाँ पे लग जाएगा, डी जेड अपॉन सिग्मा एफ, यानी फ्रीक्वेंसी इसमें होती है तो इसलिए हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा कंटिन्यूस सीरीज और डेस्क्रेट सीरीज, उन दोनों के लिए हो जाएगा। बस इसमें अपने को फॉर्मूले लिखने हैं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों, फॉर्मूले नोट रखने और कोई इश्यूज इसमें अपने इश्यू नहीं आएगा। अब अपना नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अब अपने स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लिखें स्टैंडर्ड डेविएशन। इस पेपर का जो सबसे मेन है ना वो ये है अपना,
स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप, विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। चैप्टर नंबर 10 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इसी पे बेस्ड होता है कॉफिशेंट ऑफ वेरिएंस और आपके कॉफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस पे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर ले, ये सीखना सबसे ज़रूरी है। तो दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लें, स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज़ का और स्टैंडर्ड डेविएशन कंटिन्यूस सीरीज़ और उसमें दोनों में जो काम में आ जाए, ये आपके फॉर्मूले हैं। और ये जो मेथड है वो शॉर्टकट मेथड से मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिसमें हम डी से लेते हैं, डेविएशन से, वही सेम डी है, क्लियर। और यहाँ पे केवल डी एक्स लिखा हुआ है, डी एक्स का मतलब एक्स माइनस ए होता है, क्या होता है, तो वो हमने पहले से सीखा हुआ है एक्स बार की कैलकुलेशन में, तो ये सबसे इजी तरीका रहता है ना, तो इसको हम फॉलोअप में लेंगे। एग्जाम्पल में यदि दूसरे फॉर्मूले भी लिखे हों तो उसमें सीखने में कोई एतराज़ नहीं है, आप कर भी पाएंगे, ऐसा कोई मुश्किल नहीं होता उसमें, और याद रखने के लिए सबसे अच्छा है। तो इसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ 30 एस डी का, स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 एक्स दिया हुआ है 47, 48, 65, 57, 31, 60, 37, 48, 78 और 59, ओके, ये एक्स है। अब जब आपने एक्स देख लिया तो अब अपने को लेना है डी एक्स, एक चाहिए, और एक अपने डी एक्स स्क्वायर चाहिए, ये दो चीज़ें चाहिए अपने को, सही है ना ये बात, और तो कुछ चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, तो एक तो ये चाहिए, और माइनस एक आपके है सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तो बाद में होगा, इतना ही तो चाहिए ना, तो इतना ही कॉलम बनेगा। अब डी एक्स का फार्मूला लिख लो, एक्स माइनस ए, ए फॉर एज्यूम्ड मीन है, आप इन संख्याओं में से कोई भी एक संख्या ले लो, तो इसका नियम मैंने आपको सिखाया है, हम कोई भी नहीं लेंगे, हम सेंटर की जो संख्या है उसको लेंगे, तो सेंटर में कौन है, 31 भी है और 60 भी है, तो इसमें ऊपर वाली संख्या को ले लेंगे, क्लियर। तो ये इससे क्या, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, आप कोई भी संख्या लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इससे फ़ायदा ये रहता है कि आप लोगों के सारों के आंसर एक जैसे सीरीज में चलते जाएंगे। तो कैलकुलेट करें इसे आप, हाँ कैलकुलेट किया आपने, तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस का 16, फिर 17, 34, 26, 0, 29, 6, 17, 147, केवल 47, 47, 28, क्लियर। ये माइनस में भी आती हैं और प्लस में भी आती है, चूँकि 31 सबसे छोटा था इसलिए ये सारे प्लस में आ गए, अदरवाइज माइनस प्लस में ही आते रहेंगे आप लोगों के। अब स्क्वायर करना है तो इस संख्या का स्क्वायर करो, कैलकुलेटर पे कैसे करोगे, 16 इंटू 16 कितना, 256, 289, 1146, 56, 569 है क्या, 1156 है, 1156 सही बात है। अगला, ये सही कैसे हो सकता है, 676, फिर 0 का 0, 29 का 8, 41, हाँ 36, 289,
2209 7 8 ओके, इन दोनों का टोटल लगाना है। गलत है कहीं पे? वन वन ठीक है, तो इसमें कोई झौड़ थोड़ी, चेंज कर लो है क्या? 1156। अब टोटल लगाओ इन दोनों की, पहले वाले की डीएक्स की, डीएक्स की 220 गुड, और इसकी 36। चेक कर लो सारे सही है ना, सही है। और एन कितना है? एन इज इक्वल टू बताओ 10 है। किस किस के टोटल सही मैच कर रहे हैं, हाथों पे कर रहे हैं? ठीक है, तो अब आगे बढ़ूँ आपका ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे सामने है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डी एक्स स्क्वायर लेना है, तो वो आपका है 6536 डिवाइड बाय, इसमें 10 करना है, माइनस 220 बट्टे 10 का होल स्क्वायर, बस इतना ही करना है। तो इसको सॉल्व अब आप कैलकुलेटर पे करें तो आंसर आ जाएगा। इसमें एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, पहले इसमें 10 का भाग दे दो, 6536 हो जाएगा, और इसमें भी भाग देना है और स्क्वायर भी करना है। तो एक मिनट, इसको कैसे करना है मैं बताता हूँ। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास, तो उसमें आप सबसे पहले है ना लिखो 220 220 अपॉन करो 10, फिर बराबर दबा दो तो 22 आया, फिर इनटू और बराबर, इनटू और बराबर 484। स्क्वायर करने का कैलकुलेटर पे तरीका है, जो संख्या का स्क्वायर करना है वो लिखो, फिर इनटू दबाओ और फिर बराबर दबाओ, करके चेक कर लो, करके चेक करो। 8 इंटू बराबर 8, 9 इंटू बराबर 6 इंटू बराबर, यानी वो संख्या वापस नहीं लिखनी है। कल मैंने आपको ये कैलकुलेटर ट्रिक सिखाई थी, आज दूसरी है। स्क्वायर करने के लिए आपको केवल वो संख्या जैसे 6 दबाना है, फिर इंटू का बटन दबाना है और फिर बराबर का दबाना है, वो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें वो काम आया 220 बटे 10, बराबर पहले कर दो फिर इंटू और बराबर कर दो, तो जो संख्या कैलकुलेटर पर लिखी है उसी का स्क्वायर वो कर देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हो रहा है सभी के? चलो अब इसको सॉल्व करें। फाइनल आंसर बता रहे हो 600, हाँ तो वही फाइनल लिखो 13.02। ये आपका आंसर आ गया, इसमें से इसको घटा लो ठीक है ना, फिर बराबर का बटन दबा के फिर अंडर रूट कर दो तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेथड लिखे, क्वेश्चन लिखे। एक और क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, वो अपने लेंगे क्वेश्चन नंबर, ले लो 32A। 32A ये आपके डिस्क्रीट सीरीज का है, क्लियर मिल गया बच्चों? इसमें आपके दे रखा है माइल्स ट्रेवल्ड, माइल्स ट्रेवल्ड में देता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 and 19. उसके बाद में देता है नंबर ऑफ फार्मर्स, नंबर ऑफ फार्मर्स वो आपके हैं 19, 52, 70, 39, 24, 21, 14, 12, 8,
एंड वन। अब उसके बाद में अपना अगला काम होता है कि ये सवाल तो पहचान में आ गया, इसमें ये एक्स है और ये एफ है, तो एक्स और एफ दिया हुआ है। अपने को एक्स मिल जाए तो पहला काम अपना हो जाएगा डी एक्स, फिर आ जाएगा एफ डी एक्स, एफ डी एक्स भी तो चाहिए ना, तो एफ डी एक्स, और तीसरा चाहिए एफ डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये तीन चीज़ें चाहिए। एक मिनट आगे बढ़ बढ़ो एक बार। डी एक्स का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए, एफ डी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ये जो आया था ना, इसको एफ से गुणा करवा देंगे। क्लियर? एफ डी एक्स कैसे आएगा? एफ को डी एक्स से गुणा करेंगे तभी तो आएगा। तो ये डी एक्स ये रहा, यहाँ पे जो चीज़ आएगी उसकी गुणा किससे करानी है? मल्टीप्लाई विद एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? उसके बाद में एफ डी एक्स स्क्वायर जो करना है ना, उसमें इन दोनों कॉलम की गुणा करनी है। इस बार कैलकुलेटर में सीधा इनटू बराबर वाला स्क्वायर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्वायर लगा है ना, वो डी एक्स पे लगा है, एफ पे नहीं है। तो इसमें डी एक्स है, इसमें भी डी एक्स है, तो डी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, एफ साइड में पड़ा रहेगा, तो इन दोनों की गुणा करने से वो ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ इसमें अपने को ध्यान रखनी है। अब आप इसमें कैलकुलेट स्टार्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन एज्यूम कौन सी संख्या करेंगे? 9a हो गया है ना, तो सबसे पहले डी एक्स 9 में से 9 गया 0, ऊपर की तरफ आपके -2 -4 -6 और -8, नीचे की तरफ 2 4 6 8 और 10। याद है? चेक करो, एक्स माइनस ए करना है। एक्स कौन है? माइल्स ट्रेवल्ड। तो माइल्स ट्रेवल्ड ये रहा, इसमें से ही घटाना है तो घटाएंगे। इंटरवल इक्वल चल रहा है, तो इक्वल इंटरवल चल रहा है तो प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा। ठीक है? यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया? हाथों पे करें। वेरी गुड। अब आपके इसमें इसको क्या करना है? ये जो कॉलम आया इसको किससे गुणा कराओगे? एफ से। ये लिखा है मैंने यहाँ पे, मल्टीप्लाई विद एफ करना है, तो एफ से मल्टीप्लाई करवा दो। ये रहा है, एफ पास में ही है, तो एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 इंटू -8, 1 माइनस का 152, -312, माइनस का 280, माइनस का 78, 0 42 56 72 64 10 हो गया। इसकी टोटल भी लगानी है। माइनस वाली संख्याएं बाद में लिख दिया करो, या किसी भी तरह से मैनेज करो। माइनस वाले घटेंगे और प्लस वाले जुड़ेंगे, इसमें माइनस में आएगा आंसर। माइनस की संख्याएं ज़्यादा बड़ी है। और आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि माइनस की संख्याएं अलग लिख लो। जैसे माइनस का टोटल अलग कितना आता है? केवल माइनस की संख्याओं का कितना आता है? 822। और प्लस की संख्याओं की? 244। तो अब इसका फाइनल आंसर यहाँ पे ऐसे लिख लो, कितना आता है? माइनस का 570। तो आप चाहें तो पहले ऐसे लिख के फिर ऐसे आ जाओ, और अगर आप चाहें तो इसको आप छोड़कर सीधा भी कैलकुलेटर पे ले सकते हो। क्लियर? दोनों चीज़ें आप दिमाग में रखिए, आप आराम से कर सकते हैं। ये हो गया अपना सिग्मा एफ डी एक्स। क्लियर? ये माइनस का निशान। अब आपको एफ डी एक्स स्क्वायर लेना है, तो एफ डी एक्स स्क्वायर लेने के लिए आप लोगों को क्या करना है? इन दोनों की गुणा करनी है, इसमें स्क्वायर नहीं करना है। पीछे वाले सवाल में हमने डी एक्स का स्क्वायर किया था, यहाँ पे स्क्वायर करने का तरीका है इसकी इससे गुणा करा देंगे। चूंकि ये स्क्वायर जो है मैंने कहा डी एक्स के ऊपर है, तो इसमें डी एक्स है, इसमें भी डी एक्स है, तो डी एक्स गुणा यही तो करना होता है स्क्वायर के लिए, और एफ साथ में हो जाएगा। तो अब इन दोनों की गुणा करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 152 इंटू 8 1216, इसकी गुणा 1822, 1120, 156,
ज़ीरो 84 224 1872 कर दो, उसके बाद में 432 फिर 512 फिर 100। तो बच्चों ये आपकी नेक्स्ट कैलकुलेशन आ गई, इसकी भी टोटल लगानी है। हाँ, माइनस 3124, 3124 माइनस का थोड़ी आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया था ना, गुणा करते ही सारा प्लस का ही आएगा। टोटल लगाओ दोबारा से, सही है ना भाई? आप इन दोनों की गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो मैंने तो सारे ही प्लस ही लिखा है, देखो माइनस लगा ही नहीं है। ऐसे मत करो बच्चों। 5716 चेक कर लो, ये आ रहा है। अच्छा, कैलकुलेशन आपके भरोसे चलती है बच्चों, क्लास में आप जैसे कर दोगे वो फाइनल है, क्योंकि मेरा उद्देश्य कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, सिस्टम सिखाना है। कैलकुलेशन तो आप जैसे करोगे वैसे सही है, बस मेरा आप लोगों से यही रहता है जो भी करो एक्यूरेट करो। यहाँ तक किस किस को समझ में आया हाथों पे करें, कोई इशू, एनी क्वेश्चन, एनी? वेरी गुड, हो गया सवाल, स्क्वायर भी हो गया, स्क्वायर में लापरवाही नहीं करना। अब अपना मेन सवाल में आ जाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मॉड्यूलस में, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। एन का मतलब वही है सेम, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की टोटल लगाई थी क्या बच्चों? कहाँ पे है? 260, ये यहाँ पे लिख दो 260। तो अब अपने को इसमें सॉल्व करने के लिए स्क्वायर है 5716 अपॉन 260 माइनस, माइनस का 578 अपॉन 260 का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, ये जो अंदर माइनस आया है ना ब्रैकेट में, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब आप स्क्वायर करते हो तो माइनस का निशान हट जाता है। तो आप तो नॉर्मल सवाल समझो और चलाते रहो इसको, यानी इस माइनस का कोई उपयोग नहीं होगा, लिखा है बस। आपको तो रूटीन में जो कैलकुलेशन करते थे वैसे ही लेनी है। इसमें इसका भाग दो क्या आता है बच्चों, पहले वाली संख्या में? इसमें इसका भाग देना है 21.98। सही है, बिल्कुल सही है। माइनस इसका कैसे करना है, 578 अपॉन 268 बराबर इनटू बराबर 493, चेक कर लो, यही आता है। कैलकुलेटर पे करके बताऊं किस किस का हो गया यहाँ तक? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.12। आंसर दिया हुआ है, एग्जैक्ट मैच करता है। वेरी गुड प्यारे बच्चों, आप कितने अच्छे कैलकुलेटर हो, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन साथ साथ चलती रहनी जरूरी है, प्रैक्टिस बराबर आप भी चलाते रहेंगे तो होता रहेगा। कोई भी बच्चा बैठा नहीं रहे, जब आप सीख रहे हो तो उस समय कैलकुलेशन भी साथ साथ चलाए रखो, कॉपी लिखते हुए चलते रहना है। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें आपको एस डी कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। एक आपके कॉफिशेंट ऑफ वेरिएंस वी कैलकुलेट करना है और एक आपके कॉफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉफिशेंट लेना है, कॉफिशेंट ऑफ एस डी। ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तीनों फार्मूले आपको लिखा रखे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेस देन 40, 80, लेस देन 120, लेस देन 160, लेस देन 200, लेस देन 240, लेस देन 280, लेस देन 320। ओके, ये आपके वेजेज है। उसके बाद में दे रखा है सी एफ ही होगा इसके सामने, तो सी एफ है नंबर ऑफ वर्कर जिसे आप कहते हैं 30,
55, 85, 130, 155, 168, 192 एंड 200। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे हो गया कि ग्रुप बनाए। तो ग्रुप इसमें लेस देन है, यानी ये L2 दे रखा है, तो इधर 40 हो गया। गैप कितने का है? 40 का है, तो 0 से 40 पहला ग्रुप बनेगा। अब लाइन से चलते रहो, 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 180, सॉरी 160, फिर 160 से 200, फिर 200 से 240, 240 से 320 और 280, सही है, और 280 से 320 हो गया। अब आपको इसके बाद में CF से F लेनी है, तो F लिखो। तो इसमें से इसको घटाते हुए चलो, पहला तो 30 आ जाएगा, फिर 25, 30, फिर 45। इसमें से लेस होता जाएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। 25, 13, 24, 8, टोटल 200 CF जितना ही आएगा। अब आपको लेना है मिड वैल्यू, तो इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, तो मिड वैल्यू आ जाएगा। तो 40 और 0 का जोड़ 40/2 यानी 20, और उसके बाद में गैप कितने का है? 40 का गैप है ना, तो 40 जोड़ दो बस, 20, 20 में 40 जोड़े 60, 100, 140, 180, 220, 260, 200, 300 हो गया। अब उसके बाद में आपको लेना है नेक्स्ट पॉइंट डीएक्स। तो डीएक्स के लिए आपको इसमें से कोई एक संख्या एज्यूम करनी पड़ेगी, 140 ये एज्यूम करेंगे, तो 140 में से 140 गया 0, ऊपर छोटी संख्याएं हैं, तो -40, -80, -120, नीचे आ जाएगा 40, 80, 120, 160। ये सीक्वेंस में ही चलता है, 40 40 का गैप है, तो ऊपर माइनस में बढ़ रहा है, नीचे प्लस पे बढ़ रहा है। अब उसके बाद में नेक्स्ट डीएक्स आ गया, डी डैश एक्स। डी डैश एक्स का मतलब होता है इंटरवल जो 40 है ना, उसका भाग आप इस पूरी संख्याओं में दे दो। तो 40 का भाग देंगे तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। हमेशा ऐसे ही होता है डी डैश एक्स, क्योंकि इंटरवल इक्वल ही होता है ज़्यादातर सवालों में। फिर आता है आपका डीएक्स आया ना, मतलब डी डैश एक्स, तो अगला आ जाएगा एफ डी डैश एक्स, और फिर लेना है एफ डी डैश एक्स स्क्वायर। ये 2 कॉलम और लेने हैं थोड़ा सा। तो डी डैश एक्स ये रहा, एफ कहाँ है ये रहा, इन दोनों की गुणा करनी है, तो ये कॉलम इसकी गुणा करनी है, किससे? इससे। तो जल्दी से कर दें, आप लोगों को तो आता है अच्छे से। माइनस का 90, माइनस का 50, -30, 0, फिर उसके बाद में 25, 26, 72 और 32, टोटल लगा लें इसकी। और इसी तरीके से अब ये स्क्वायर कैसे बनेगा, इन दोनों की गुणा करवानी है। किन दोनों की बेटा? इन दोनों कॉलम की आपस में गुणा करानी है, तो गुणा करवा दो इसकी। तो इन दोनों की कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू माइनस का 90, तो प्लस का 270, फिर -2 और -50 100, फिर 30, फिर 0, उसके बाद में 25, 52, 244 और 72 इंटू कितना करना है, 216 होगा क्या, 216 और 128, टोटल लगा लो इन दोनों कॉलम की, पहले की
माइनस का फाइनल है, माइनस का 15 और इधर प्लस का 821, 821 हो गया। ये तो हो गया आपका सिग्मा एफ डी डैश एक्स और ये हो गया सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें आ गई। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? किस किस को समझ में आया हाथों पे करें जल्दी से। वेरी गुड, अब अपने को क्या करना, फॉर्मूला लगाना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, इसमें आपके सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आई आ जाएगा। तो वैल्यूज लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, इंटरवल कितने का है 40 का, इस बार लिखना पड़ेगा ना। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर है 821 बट्टे फ्रीक्वेंसी की टोटल है 200 माइनस माइनस का 15 बट्टे 200 का होल स्क्वायर। बस अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अंडर रूट में लेना है, 40 बाहर ही रखो, वो तो सबसे लास्ट में गुणा करवानी है ना। तो ये आपके इसकी इस पर डिवाइड करो कितना आता है, 4.105 माइनस इसका फाइनल करो 15/220 का होल स्क्वायर। माइनस के इस निशान को गौर ही नहीं करना है क्योंकि तो स्क्वायर होते ही प्लस हो जाएगा, 0.0056। अब आप इसको फाइनल आंसर कैसे लाओगे, इसमें से इसको घटा दोगे, घटाने के बाद में उसका अंडर रूट करोगे, अंडर रूट करने के बाद में बराबर करने के बाद में 40 से गुना करोगे, तो अब आंसर कितना आएगा, 80.98। बॉक्स पर बदल दो। वेरी गुड, आंसर दिया हुआ है देखो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ गए ना। वो तो हम पॉइंट में कितना लेते हैं उस पे आ जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया, 80 चाहिए 80 आ गया, पॉइंट 80 दिया हुआ है, 0.98 में दिया है, तो 0.18 का अंतर का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कैलकुलेशन में कहाँ क्या चीज़ रह गया उससे। ठीक है, यहाँ तक हो गया सभी का, कैलकुलेशन करना तो सबको आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अगला फॉर्मूला और पूछा है आपसे, क्या है कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस वी, उसमें आपको क्या करना है देखो। स्टैंडर्ड डेविएशन था ना, तो वी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ नहीं है, लिख लो, वो कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस का लिखा हुआ है, खाली वी का आंसर निकालो। तो 80.98 का होल स्क्वायर कर लो बस, यानी इनटू बराबर कितना आता है, 6,557.76, ये इसका आंसर होगा। पॉइंट में अंतर होता है तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर सब जगह पे चलेगा, कोई इशू नहीं। अब उसके बाद में आगे अगला क्या पूछा है अपने से, कॉफिशेंट ऑफ एस डी, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, लिखा है था ना, जल्दी से देख के बताओ। तो इसका फॉर्मूला हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। तो एक्स बार निकाला हुआ है अपने, नहीं निकाला हुआ, एच डब्ल्यू कर दो घर से कर लेना। और एक और चीज़, दूसरा कौन सा है, कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस, तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इनटू 100। ये दोनों काम आप आराम से कर लें। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, ये एच डब्ल्यू में आपके आंसर इस तरीके से आएंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्स बार इस फॉर्मूले से लेना है, बस इतना सा याद रखना है और कुछ नहीं है, तो आपका हो जाएगा।